मैं आप सभी के बीच बिहार DST ऑफिस अटेंडेंट से रिलेटेड फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जैसा कि आप लोग अभी देख ही रहे होंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली जो हम लोग बात करने वाले हैं, बिहार DST ऑफिस अटेंडेंट रिजल्ट से रिलेटेड क्या अपडेट्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और आप सभी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रिजल्ट में इतना लेट कैसे, मेरिट वाले का ही ना रिजल्ट बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये हम जो लिखे हुए हैं ये आप लोग बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देख के जो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर बिहार DST रिजल्ट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो आपको पूरे YouTube पे सही वीडियो कहीं भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि देखिए इसमें कुछ अपडेट इंटरनल है ही नहीं जिसके आधार पर मैं आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन बता सकूँ या शेयर कर सकूँ। और वहाँ पे बिहार DST ऑफिस अटेंडेंट जाने के बाद भी कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं मिलता है, एक्सपेक्टेड डेट भी नहीं पता है कि आपको मैं क्या बता सकूं। और आप सभी का एक ही कमेंट बार बार आते रहता है कि सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन PDF कब तक आएगा। तो देखिए, उन सारे स्टूडेंट को बताना चाहेंगे कि आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट करते हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, तो उन सभी का कमेंट मैं पढ़ता हूं और मेरे पास इसका आंसर नहीं रहता है जिस कारण से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। और इस वीडियो में रिजल्ट से जुड़ी कुछ अपडेट्स हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। और देखिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि आप लोग भी ज़्यादा साथ नहीं दे रहे, क्योंकि देखिए पिछले बार जो हम लोग ऑनलाइन प्रोटेस्ट, ठीक है, ऑनलाइन सब मिल के बिहार DST ऑफिस जाने की तैयारी किए थे, तो उसमें से मात्र 10 से 15 लड़के थे। तो दोस्तों ऐसे में कुछ नहीं होने वाला है, और ऐसे में आपका पोस्ट भी कैंसिल कर दिया जाएगा और आप लोग बैठे ही रह जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग कम से कम अपडेट तो रहिए, सिर्फ रिज़ल्ट पूछने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। रिज़ल्ट के साथ साथ आपको कुछ करना भी पड़ेगा। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ की अगर बात कर ले ऑनलाइन प्रोटेस्ट की, तो देखिए ऑनलाइन प्रोटेस्ट में भी मेरा वीडियो अप्रॉक्स जो है मिनिमम 1500 से लेकर 2000 के बीच ही मेरा वीडियो देखते हैं, या 2000 से ऊपर भी देखते हैं। लेकिन जब प्रोटेस्ट की बात आती है तो ऑनलाइन प्रोटेस्ट में मात्र 15 से 20 लड़के ही प्रोटेस्ट कर पाते हैं, ट्वीट कर पाते हैं, क्योंकि 15 से 20 ही लड़के ऐसे हैं जो कि अपडेट्स हैं, और बाकी जितने भी हैं तो उनको सिर्फ रिजल्ट चाहिए और इससे रिलेटेड कुछ भी वो करना नहीं चाहते। तो इसके आधार पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ऐसे में आपका रिज़ल्ट कभी नहीं आएगा, ठीक है, और जहाँ तक होगा तो पोस्ट को कैंसिल भी कर दिया जाएगा। आप सभी को पता है कि DST ऑफिस अटेंडेंट की जो पोस्ट है वो फुल्ली परमानेंट पोस्ट है, और इसमें से आपको बिना एग्ज़ाम लिए हुए सिलेक्शन दे रहा है, आपको अच्छे सैलरीज मिलेंगे, तो इसके लिए आपको कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइए इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं, और जो इम्पोर्टेंट है आपके उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। और देखिए, आप सभी का एक और कमेंट आ रहा था, ठीक है, इस पॉइंट को जानने से पहले एक और मैं आपको बता देता हूँ कि आप सभी का एक और कमेंट आ रहा था कि सर आप बिहार DST ऑफिस जाइए, तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि हम 3 से 4 बार जा चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ से जाने में बहुत ज़्यादा खर्च भी हो जाता है, आप लोग समझते ही होंगे, और कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है जिसके कारण मैं आपको अपडेट कर सकूं या उसके आधार पे मैं कुछ रिजल्ट डेट को लेकर बता सकूं, क्योंकि सबसे फर्स्ट टाइम में ही जो अपडेट मिला था उसके बारे में हम बताएं आपको, तो बिल्कुल वो डेट गलत था, अभी तक इससे अपडेट भी कुछ नहीं आया हुआ है। तो चलिए, इस वीडियो में मेरे पास कुछ अपडेट्स मिली है रिजल्ट को लेकर, बट वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट है वो इसके बारे में जान लेते हैं, रिजल्ट में इतना लेट कैसे। तो देखिए, यहाँ पे जैसा कि मैं अभी आपको पहले भी बताया हूँ कि ये फुल्ली परमानेंट पोस्ट है, और इसमें से मैक्सिमम जो है वो करीबन 80,000 के आसपास, या मैक्सिमम मान लेते हैं कि 2 लाख लड़के भरे होंगे, ठीक है। तो इसमें से उनको मात्र कितना लेना है कि अगर हम लोग मान लेते हैं 400 पोस्ट है, इतना है नहीं, बस हम लोग मान रहे हैं 400 पोस्ट है, इनमें से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे 600 लड़के को बुलाया जाएगा। तो इस 600 लड़के को मेरिट बनाने के लिए, DV मेरिट बनाने के लिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप लोग समझते ही होंगे कि इसकी वजह क्या है, और रिजल्ट में लेट होने का भी वजह वही है, क्योंकि इस बिहार में जब तक भी पूरा सीट नहीं बिक जाता तब तक कुछ नहीं होता है। तो इसलिए देखिए, जो भी मेरिट वाले हैं एग्ज़ाम तो लेना है नहीं, डायरेक्ट वो कंप्यूटराइज आजकल है, ठीक है। कंप्यूटराइज पे क्या होता है कि अगर आप लोग बनाना चाहेंगे तो ऑलरेडी जो डाटा सेट होता है
वो क्या किया जाएगा कि ऑलरेडी जो मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट हैं वो आ जाएंगे, फिर उसके बाद उनको चेक कर लेना चाहिए कि किसका डॉक्यूमेंट सही है, बस हो गया। ठीक है, मैक्सिमम जो लगेगा तो वो 1 महीना लगेगा, लेकिन अभी तक डिले हो रहा है। ठीक है, और अंदर अंदर क्या चल रहा है ये तो आप लोग समझते होंगे, मैं बार बार नहीं बताऊँगा। और इससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं रिज़ल्ट से रिलेटेड अगर अपडेट करना चाहूँ, जहाँ तक कि आप लोग भरोसा मत करिएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला है। तो इस बार जब हम गए थे तो बोले अब इसका जो रिज़ल्ट से रिलेटेड है वो इस पर काम चल रहा है और 3 महीना के आसपास रिज़ल्ट आपके आ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, इतना ज़्यादा 3 महीना आप लोग इतना ऑलरेडी वेट कर चुके हैं, अभी भी 3 महीना बताया जा रहा है, फिर भी ये कंफर्म नहीं है कि 3 महीना के अंदर आएगा भी या नहीं आएगा, क्या पोस्ट को कैंसिल करेगा। हम तो उनसे ये भी पूछे कि पोस्ट अगर कैंसिल भी करना है तो आप लोग डायरेक्ट बता दीजिए, उसके बाद जितने भी स्टूडेंट जो जो फॉर्म भरे हैं वो देख लेंगे। तो उससे रिलेटेड भी अपडेट नहीं मिल पाता है, और इससे कुछ अपडेट मिल ही नहीं रहा है हाल ही में। तो इसके लिए आप लोग को जो भी अगर इससे जुड़ी कुछ भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आए या कुछ भी आपके पास आगे क्या किया जाए इससे रिलेटेड सोचा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसी से रिलेटेड जो है हम लोग काम करेंगे और तभी रिज़ल्ट आएगा, ऐसे आप लोग अगर बैठे रहिएगा तो रिज़ल्ट कभी भी नहीं आएगा। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि बिहार अमीन का एक पोस्ट आया था, बिहार अमीन 1767 पोस्ट, जो कि फुल्ली परमानेंट पोस्ट था। इसको क्या किया गया, आपका तो कम से कम कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इसका एग्ज़ाम भी ले लिया गया। ठीक है, CBT बेस्ड एग्ज़ाम भी ले लिया गया, रिज़ल्ट भी दे दिया गया। रिज़ल्ट के बाद क्या किया गया, पोस्ट को कैंसिल कर दिया गया। फिर ये सभी मिल के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, सारा कुछ किए, तो उसके बाद फिर से इस पर बात चली। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि फिर डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट दिया, करीबन 1 साल के बाद डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट दिया। डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट देने के बाद फिर क्या किया गया कि उसके जस्ट 10 से 12 दिन बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद भी क्या हुआ, ये बिहार है आप लोग पूरा समझिए, मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद क्या किया गया कि मेरिट लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, और फिर से न्यू मेरिट लिस्ट उन सब का आएगा। तो आप लोग समझ ही लीजिए कि इसमें क्या क्या आपको झेलना पड़ेगा, और आप लोग को आगे जो भी सोचाती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके पास अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिहार DST ऑफिस जाके हाल ही में मिले होंगे, उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन मिला हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आपके साथ साथ जितने भी स्टूडेंट हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है रिजल्ट को लेकर, तो उनको कुछ हेल्प मिल सके। इसमें से देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अदर स्टेट्स के भी बहुत सारे स्टूडेंट भरे हैं, तो उनको हो सकता है यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो बिहार के हैं उन सभी को तो कम से कम सपोर्ट करना चाहिए। पिछले बार भी हम प्रोटेस्ट से रिलेटेड आप सभी को बुलाए थे कि बिहार DST ऑफिस अटेंडेंट आइए, सॉरी बिहार DST ऑफिस आइए, तो आप लोग नहीं आए। और देखिए, मैं बार बार जाता हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा रुपया खर्च हो जाता है, इस कारण से अब मैं नहीं जा पाऊँगा। ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और आज भी बताता हूँ दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर इससे जुड़ी कुछ भी अपडेट अगर कुछ ऑफिशियल आती है तो मैं आप सभी को ज़रूर अपडेट करूंगा, या इंटरनल भी अगर कुछ। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।